बाणीधार मेला पांडवों के प्रति है लोगों की अटूट श्रद्धा। पांडवों से जुड़ा है बाणीधार का इतिहास। कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की विशेष रिपोर्ट। अर्की उपमंडल में बाणीधार को पांडव भूमि के रूप में जाना जाता है। इस स्थान में होने वाला मेला पौराणिक है। बाणीधार मेला पांडवों के प्रति लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है। बाणीधार मेले का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इस कारण इसे पांच पांडवों का मेला भी कहा जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की संक्रांति को मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार बारह देवस्थल में गुरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाता है। यहाँ पर बारेश्वर महादेव का मंदिर है जहाँ यह मेला लगता है। अर्की तहसील के बाड़ी की धार इलाके में पांचों पांडव विराजते हैं जिन्हें यहाँ अलग अलग नामों से पूजा जाता है। इसके पीछे एक किंवदंती के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान शिव की तलाश में हिमाचल आए थे। हिमाचल की पर्वतमालाएं शिवालिक अर्थात शिव की जटाएं कही जाती हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि बाड़ी की धार पर्वत पर शिवजी की धुनी है, वैसे ही शिवजी के दर्शन की इच्छा लेकर पांडव यहां आए। उन्हें धुनी तो मिली पर शिवजी नहीं मिले। देवाज्ञा से उन्हें वहीं प्रतिष्ठित हो जाने का आदेश हुआ। वहां आकाशवाणी हुई कि भविष्य में ये स्थान पांडवों में सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर के नाम से जाना जाएगा और बाड़ी की धार के नाम से विख्यात होगा। इसके अलावा पांडवों को भी अन्य स्थान मिले और वे उन स्थानों पर पूजे जाते हैं। इस मेले की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। ग्राम पंचायत सरयांज के प्रधान रमेश ठाकुर ने बताया कि बाणीधार मेले को इस बार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ रवाना होती है पूज। बाणीधार अर्की से लगभग 26 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर पहुंचने के लिए अर्की भरारी घाट के मध्य रास्ते में पिपलोघाट नामक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पिपलोघाट से यह मार्ग अगर आप अर्की से आ रहे हैं तो बाईं ओर मुड़ जाता है और यदि आप भरारी घाट की ओर से जा रहे हैं तो ये रास्ता दाईं ओर मुड़ जाता है। मान्यता है कि बाणीधार मेले में जो आता है बारह देव उसके मन की मुरादें पूरी करते हैं। यही कारण है श्रद्धालु दूर दूर से इस मेले में आते हैं। मेले की पूर्व संध्या पर यहाँ जागरण होता है। ढोल नगाड़ों के साथ पूजक बाड़ी को रवाना होती है। हालांकि मेले वाले दिन यहाँ तीन पूजा होती हैं। पूजा से अभिप्राय यह है कि जब पांडवों की मूर्तियाँ भगवान शंकर से मिलन करवाने के लिए बाड़ी की ओर से जाती हैं तो उसके पीछे श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के साथ बाड़ी के लिए प्रस्थान करते हैं। इसे पूज अथवा पूजा के नाम से पुकारा जाता है। रात को केवल दो ही पूजा बाड़ी के लिए प्रस्थान करती हैं। तीसरी पूजा रात के समय यहाँ पर शामिल नहीं होती है। इसका कारण यह है कि इस पूजा में लगभग 5-5 घंटे का पैदल रास्ता तय करना पड़ता है जो रात को संभव नहीं है। मेले में पांडवों को सम्मान देने के लिए विभिन्न प्रकार की धुनें बजाई जाती हैं जिसे बेल कहते हैं।